आज हम बात करेंगे C25 जी कोड सिस्टम सिलेक्शन। जी कोड सिस्टम सिलेक्शन मतलब हमारी मशीन किस जी कोड में है, GSA में है, GSB में है, GSC में है। कुछ कोड हैं जो 4-5 कोड हमारे सिंपल में हैं और 3-4 कोड साइकिल में हैं जो डिफरेंस होते हैं, तो हम उनको पढ़ लें। तो जी कोड सिस्टम सिलेक्शन, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मशीन GSA में है या GSB में है या GSC में है, इसके ऊपर हम आपको आज लेक्चर देंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, सिलेक्ट MDI मोड। MDI मोड को सेलेक्ट करिए, ठीक है। MDI मोड सेलेक्ट किया, उसके बाद प्रेस सिस्टम फंक्शन की, सिस्टम फंक्शन की, सिस्टम फंक्शन की 6 मेन फंक्शन की में से सिस्टम मेन फंक्शन की को दबाओगे। उसके बाद टाइप 3401 पैरामीटर नंबर है यूजिंग न्यूमेरिकल की, न्यूमेरिकल की मदद से 3401 टाइप करोगे। इसके बाद सर्च सर्च 3401 यूजिंग सॉफ्ट की, सॉफ्ट की का यूज करके 3401 टाइप करोगे। उसके बाद यहां पे सॉफ्ट की स्क्रीन के नीचे सॉफ्ट की, उसमें सर्च का ऑप्शन है, सर्च करोगे तो पैरामीटर नंबर 3401 स्क्रीन के ऊपर ओपन हो जाएगा 3401। इसके बाद यहां पे देगा GSB और GSC FCD, तो अगर इनमें जीरो है, GSB और GSC में जीरो है, तो हमारी मशीन किस में होगी। देखो जीरो का मतलब नोट होता है मेंटेनेंस की भाषा में, और वन का मतलब हो गया इनपुट। अगर इनमें दोनों में जीरो है तो हमारी मशीन किस में है, ए ग्रुप में, और अगर इनमें से किसी में वन है तो हमारी मशीन किस में है, बी ग्रुप में, किस में है, बी ग्रुप में। अगर यहां वन हो तो सी ग्रुप में। तो हम ऐसे देखते हैं कि हमारी मशीन GSA ग्रुप में है, GSB ग्रुप में है या GSC ग्रुप में है। अगर इन दोनों में जीरो है तो हमारी मशीन किस में, ऑटोमेटिक ए ग्रुप में चली जाएगी। अगर इनमें वन है, ए बी में वन है, तो हमारी मशीन किस ग्रुप में, बी में है। अगर इसमें जीरो है और इसमें वन है तो हमारी मशीन किस में है, सी ग्रुप में। ये एक प्रोसीजर है जिससे हम देखते हैं कि हमारी मशीन किस ग्रुप में है। पहले हम MDI मोड को सेलेक्ट करते हैं, फिर सिस्टम फंक्शन की 6 मेन फंक्शन की में से सिस्टम फंक्शन की को प्रेस करते हैं, फिर 3401 टाइप करेंगे पैरामीटर नंबर स्क्रीन पे, उसके बाद सर्च की 3401 को सर्च करोगे, सर्च की से सॉफ्ट की से 3401 पैरामीटर नंबर ओपन होगा और GSB GSC ओपन होगा। इसमें अगर आपको जीरो लिखा है तो हमारी जिसमें वन लिखा होगा, अगर यहाँ पे वन लिखा है तो सी ग्रुप में है, अगर यहाँ वन लिखा है, यहाँ जीरो लिखा है तो बी। इन दोनों में अगर जीरो लिखा है तो हमारी मशीन किस ग्रुप में है, ए ग्रुप में। अब हम बात करेंगे जो कोड, कुछ कोड डिफरेंट होते हैं उनके विषय में हम बता दें आपको कि GSA में अगर हमारी मशीन, अब देखो अगर आपको GSA के कोड याद हैं तो आप मशीन को GSA में भी कर सकते हो। यहाँ पे वन टाइप करके एक बार मशीन को ऑफ करोगे, फिर एक बार ऑन करोगे, फिर यहाँ वन टाइप करके वन करोगे तो GSB में हो जाएगी, ठीक है जी। तो जिस ग्रुप में आपको मशीन करनी है तो आप मेंटेनेंस की हेल्प से उसको आप उस ग्रुप में कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कि हमारी मशीन कौन कौन से कोड डिफरेंस होते हैं।
इंच। G20 यूज होता है अगर हमारी मशीन सी ग्रुप में है, अगर वहां सी में वन है तो क्या लगेगा, इंच के लिए 70, थ्रेडिंग के लिए 32 लगता है, अगर मशीन हमारी बी और सी में है तो G33 लगेगा। और मैक्स स्पिंडल आरपीएम, मैक्सिमम स्पिंडल आरपीएम G50 का यूज करते हैं, लेकिन अगर बी और सी ग्रुप में है तो 92 का। एमएम पर मिनट में फीड, एमएम पर मिनट में फीड G98 का यूज होता है, लेकिन अगर हमारी मशीन बी और सी ग्रुप में है तो G94 का यूज होगा। जब हम आपको फीड का लेक्चर पढ़ा रहे थे और कटिंग स्पीड का लेक्चर पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने डिस्कस किया था कि G98 जो होता है एमएम पर मिनट और G99 एमएम पर रेवोल्यूशन फीड के लिए यूज होता है, और हमने 94 और 95 का भी डिस्कस किया था। अगर हमारी मशीन बी ग्रुप में होगी तो एमएम पर मिनट के लिए 94 का यूज होगा। एमएम पर रेवोल्यूशन तो 99। देखो कैंट साइकिल में कुछ कोड डिफरेंट होते हैं, देखो ये तीन कोड डिफरेंट होते हैं, जैसे पॉकेट कटिंग इन टर्निंग, पॉकेट कटिंग इन टर्निंग जी अगर ए ग्रुप में है तो 90, अगर बी में है तो G77 पॉकेट कटिंग के लिए, अगर सी में है तो G20। फिर इसके बाद सिंगल थ्रेडिंग साइकिल 92 का, अगर ए ग्रुप में है तो 92 का यूज किया जाता है, बी में है तो 78 का, अगर सी में है तो 21 का। और ये हमारा G79 पॉकेट कटिंग इन फेसिंग। ये देखो कुछ कोड है, देखो पांच कोड ये हैं और तीन कोड ये हैं, इनको बस याद करना है। देखो ये GSA और GSB और GSC, देखो एक ही काम के लिए GS में G20, 20GB में और C में G70 का यूज किया जाता है। तो हमने पीछे बताया कि आप कैसे पता करोगे कि हमारी मशीन किस में है, GSA सिस्टम में है या B में है, या ये होता है G कोड सिस्टम सिलेक्शन A, G कोड सिस्टम सिलेक्शन B, G कोड सिस्टम सिलेक्शन C। तो वहां से पता चलेगा कि हमारी मशीन किस में है, जिसमें वन होगा अगर A में है तो इन काम के लिए हम इन कोड को यूज करेंगे, B और C में है तो ये हम यूज करेंगे। वैसे जनरली हम आपको बता दें, मैक्सिमम हमारी मशीन जो होती है A ग्रुप में होती है, किस ग्रुप में होती है, जी कोड सिस्टम सिलेक्शन किस में होता है, ए में होता है। बाकी हमने आपको चेक करने बताया कि कैसे चेक करते हैं कि हमारी मशीन ए ग्रुप में है, बी ग्रुप में है या सी ग्रुप में है। ये कुछ कोड थे जो डिफरेंट होते हैं, बाकी कोड G01, G02, G03, G04, G10 ये सब सेम होते हैं, तीनों ग्रुप में सेम होते हैं। तो बस इन कोडों को देखने के लिए हमें क्या करना होता, हमें देखना होता हमारी मशीन किस ग्रुप में है, ठीक है जी। तो हम पीछे जैसे देखते हैं वैसे देखेंगे। बाकी आप सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी मशीन किस ग्रुप में है, GSA में है, GSB में है, GSC में है, उसी के अकॉर्डिंग आप कोड लगाओगे। या अगर आप चेंज करना चाहते हो तो अपनी मशीन में जो है G कोड सिस्टम सिलेक्शन को चेंज कर सकते हो।